तो हे दोस्तों, मैं रोहित राज हाजिर हूँ आज फिर एक नई फिल्म का रिव्यू लेके। तो भाई आज हम रिव्यू करने वाले रोही का। रोही 11 मार्च यानी कि आज ही रिलीज हुई और मैं काफ़ी लेट देख के आया हूँ, जिस वजह से काफ़ी लेट इसका रिव्यू बना रहा हूँ भाई साहब। तो सबसे पहले बात करें भाई, रोही फिल्म की कहानी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी पूरी खुद ही ट्रेलर में दिखा दी, अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो इसकी फिल्म का पूरा रिव्यू वो देने वाला हूँ भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिंग की। तो भाई राजकुमार राव का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरे ना सर से ना बिल्कुल मतलब कि पैरों से जमीन निकल चुकी है, क्योंकि भाई इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं राजकुमार, ऐसा पहली बार मुझे लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो हर फिल्म में देखता हूँ उसमें लगता है मुझे रियल करा है, ठीक है। वो तोतलापन उन्होंने भाई देखो स्त्री में करा, हकलानापन करा, लगा होगा आपको खुद करा, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा यार ओवर एक्टिंग कर दी राजकुमार राव ने, मतलब आपको ना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया ओवर एक्टिंग में। यानी कि ऐसी ओवर एक्टिंग मैंने आज से पहले राजकुमार राव की किसी फिल्म में नहीं देखी, और मैं उनका बिगेस्ट यूज़ फैन हूँ भाई साहब आपको बताऊँ फिल्मों के मामले में। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद राजकुमार राव सॉरी कहना चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपने कर दी एक्टिंग। अब ये तो नहीं पता आपने खुद करी है या आपसे करवाई गई है, हालांकि स्क्रिप्ट में जो होगा वो तो आप करोगे तो शायद करवाई गई हो। दूसरी बात करें जानवी कपूर, जानवी कपूर के वैसे ही कम डायलॉग दिए गए, बहुत ही कम दिए गए, लेकिन भाई एक्सप्रेशन तो जानवी कपूर बदल सकती है ना, एक्सप्रेशन पूरी फिल्म के अंदर एक ही रखा है। मतलब क्या चाहते हो, मतलब कि हम हंस रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम वही करेंगे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं वही करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है ना। आपको अगर एक्सप्रेशन नहीं चाहिए तो और भी काफ़ी सारे नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्हें भी ले सकते थे आप, है ना। तो भाई साहब वो भी नहीं देते एक्सप्रेशन, तो भाई साहब मतलब जानवी कपूर ने तो पूरी की पूरी ना नहीं है डुबो दिया, पूरी फिल्म की डुबो दी है, ठीक है ना। दूसरी बात करें हम वरुण शर्मा की, तो भाई वरुण शर्मा कुछ तो कॉमेडी दी है उन्होंने, उसकी वजह से मुझे फिल्म भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने कॉमेडी बार बार वही रिपीट किया जिस वजह से ना बोरी फील होने लगता है आपको ही लगेगा। लेकिन भाई लेकिन बंदे ने काम किया है इसके अंदर, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि भाई साहब वो क्यूट लगता है जब से उसका फुकरे देखा है ना चूचा तब से ही, लेकिन भाई वो करता भी कुछ अच्छा ही है, लेकिन ठीक है उसकी वजह से। लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना स्त्री वाली, तो भाई साहब मत जाइए देखने का, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना स्त्री वाली तो आराम से जाइए, कोई मतलब कि आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली। लेकिन उस थ्रू गए जैसे कि भाई दिनेश विजय ने आपको दिखा दिया स्त्री हमने बनाई है, ये हमने बनाई है, आप जाइए तो उस पर मत जाइएगा। और भैया साहब कहानी में जो आपको बता दूँ भैया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। स्त्री अपर लेवल थी, ये अपर लेवल नहीं है, ये बिल्कुल डाउन लेवल होती है ना, उससे भी डाउन है भाई साहब आपको बता दूँ। और भाई देखो मैं तो किसी से कहूँगा नहीं मत देखो, जाके आप देख सकते हो। और बात रही एक्टिंग की, कुछ कहेंगे कि आपको तेरे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता, भाई मुझे नहीं आता ठीक है ना, लेकिन सामने वाले की एक्टिंग तो हम पहचानते हैं, हम देखते इतने सालों से उसे देखते हैं, ठीक है ना। और फिल्म तो आप भी जाके देखोगे तो आपको भी पता ही चल जाएगा। तो भाई फिल्म के लिए जो रेटिंग है वो तो भाई साहब देखिए फाइव आउट ऑफ थ्री देना चाहूँगा, क्योंकि भैया दो आप खुद ही काट दोगे, एक तो जानवी कपूर के रोल के लिए, दूसरी जो ओवर एक्टिंग की गई है ना राजकुमार राव के साथ में स्टोरी की उसके लिए, ठीक है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा रिव्यू, तो आपको बताऊँ फिल्म देखनी है तो जाके देख सकते हो, वन टाइम वॉच फिल्म है, उसके बाद आप नहीं देखोगे। इस स्त्री को दोबारा उठा के देख लोगे ना तो आज भी इससे बढ़िया लगेगी, 10 गुना इससे हैवी लेवल पे लगने वाली है। तो भाई सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ना इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार, बहुत दिनों से कोई नहीं कर रहा, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे, क्योंकि मैं लिंक हर बार अपने इंस्टाग्राम की आईडी का ना डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, फिर भी नहीं कर रहा कोई। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।